आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का, अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जी का नाम आना हम सबके लिए बड़े गर्व की बात। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने बदलाव करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया है। इस बदलाव के बाद राजनीतिक जंग छिड़ गई। विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार पर जवाबी वार कर रही है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। वहीं सपा प्रवक्ता की इस मांग पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पलटवार भी किया है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का, अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास किसको पढ़ाएगी, राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास किसको पढ़ाएगी, अशफाक उल्लाह खां का इतिहास किसको पढ़ाएगी, वीर अब्दुल हमीद का इतिहास किसको पढ़ाएगी, लाला राजपत राय का इतिहास किसको पढ़ाएगी, और अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जी का नाम आना हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और वहीं विपक्ष को हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि ये लोग पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों के नाम से इनको बड़ी परेशानी है। यही कांग्रेस के प्रवक्ता को भी करते देखा, आक्रांताओं के नाम आना चाहिए पाठ्यक्रम में लेकिन वीर सावरकर जैसे वीरों के नाम नहीं आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों ने देश में राजनीति भी की है और देश में सरकारें भी चलाई हैं। तो आज कम से कम हम लोग अपने महापुरुषों को ला रहे हैं और आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये वीर सावरकर हैं, जिनका नाम ही वीर सावरकर इसीलिए रखा गया कि उन्होंने देश के लिए और देश के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ऐसे ही तमाम महापुरुषों को हम लेकर आए हैं जिनके बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। आज भी एक हमारे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दिया था कश्मीर की आजादी के लिए, हम लोग उनको भी याद करते हैं लेकिन ये उनको याद नहीं करते। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।